उबल गई थी। अभी कड़छी जो है आप पानी डाल दीजिए, कोई बात। हाय एवरीवन, तो जो लोग मुझे पहली बार व्यू कर रहे हैं वो जल्दी से हो जाइए सब्सक्राइब, और जो मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं, देखिए माला हाजिर है। ये सारी जो डिशेस हमने सेलिब्रेशन के दिन बनाई थी ना, उन सब की रेसिपीज लेकर, तो ये दो केक्स प्लस रसगुल्ला आप सबके लिए हाजिर है। तो एक एक करके मैं रेसिपीज बताने के पहले आप सबका तहे दिल से फिर से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, और आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में Love and Life with Mala। तो चलिए सबसे पहले बनाते हैं होल व्हीट बनाना सिनेमन केक। इसमें मैंने थोड़ा सा चॉकलेट भी दिया है। तो इसके लिए आपको चाहिए दो थोड़े से पके हुए केले, पके हुए केले होने से ज्यादा अच्छा है। उसके बाद एक मिक्सर जार में 3/4 कप शुगर और दो पके केलों को आपने इस तरह से पीस के एक बोल में ट्रांसफर कर लेना है, देखिए इस तरह। इसमें अब आपने आधा कप ऑयल देना है और उसको अच्छे से करना है मिक्स, तो आपका जो वेट इंग्रेडिएंट्स है उसका मिक्सचर हो जाएगा रेडी। अब एक सीव लीजिए, उसमें आपने डालना है 1.5 कप आटा। जी हाँ, ये मैदे से नहीं बनेगा इसलिए ये हेल्दी है। इसमें बारी बारी से मैंने 1.5 कप आटा जो है मिक्स कर लिया। अब उसमें मैंने दिया सिनेमन पाउडर 1/2 टीस्पून। अब इसको अच्छे से कट एंड फोल्ड मेथड से आपने मिक्स कर लेना है। अब इसमें आपने डालना है दूध, दूध कितना डाला है 1/4 कप, और 1 टीस्पून विनेगर। और जब मैंने मैदा दिया था ना, तब उसमें मैंने 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा भी सीव कर लिया था। चॉकलेट जो है ऑप्शनल है, मैंने दिया है, आप भी दे सकते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स करके मैंने जो मोल्ड में एक बटर पेपर दिया उसको ऊपर से ग्रीस कर लिया ऑयल से, और ये जो मिक्सचर है उसमें डाल दिया। इस केक की खूबी ये है कि मैंने इसको चूल्हे में बनाया है, क्योंकि मेरे को कई मैसेजेस आई थी कि हमारे पास जिनके पास अवन नहीं है उनके लिए क्या। तो चूल्हे में इस तरह से जो कंटेनर में आप बेक करेंगे उसमें नमक नीचे डालकर इसको 10 मिनट का मैंने प्रीहीट टाइम दिया। 10 मिनट के बाद, 8 से 10 मिनट के बाद मैंने ये जो मोल्ड है उसमें डाल दिया और इसको 30 मिनट के लिए बेक होने दिया। 25 मिनट के बाद मैंने ढक्कन खोल के देखा और चाकू को मिडल में डाल के देखा, देखिए ये बिल्कुल साफ आ गया। तो अब मैंने गैस कर दिया था बंद और इसको उसी में रखा 5-8 मिनट के लिए। फिर इसको बाहर निकाल के जो है कूलिंग रैक पे इस तरह से डाल दिया, और देखिए कितना अच्छा बना है, एकदम नरम सॉफ्ट एंड होल व्हीट, ऑफ कोर्स वेरी यमी। अब इसको मैंने प्लेट में डाल के निकाल के इसको बीच से इस तरह से काटा। आप अपनी मर्जी से कैसे भी इसको कर सकते हैं, आप इसमें वॉलनट भी दे सकते हैं। तो मेरे पास थोड़ा सा व्हिप क्रीम का डब्बा था, उसको मैंने व्हिप क्रीम दिया और चेरी डालकर इसको ऐसे मिडल में सजा दिया। तो हो गया ये रेडी वेरी यमी एंड हेल्दी बनाना केक। सो हियर कम्स द नेक्स्ट रेसिपी, ये है चॉकलेट पुडिंग केक। ये भी बहुत यमी बनता है और इसकी 3 स्टेजेस हैं, वेरी इजी। तो इस केक को जब आप बनाएंगे ना, ये सारी जो चीज़ें अब मैं जब दिखाऊंगी बेकिंग में, तब जो आपको प्रोपोर्शन बताऊंगी, सारी चीज़ें एक साथ असेंबल करके देखिए जैसे मैंने रखी है वैसे करके फिर आप अपनी बेकिंग स्टार्ट करिएगा। और जो मेरी बेकिंग्स होती है ना वो बहुत ईजी होती है, तो हर कोई कर सकता है। तो देखिए इसके लिए आपको चाहिए एक बड़ा बोल जिसमें आप मिक्स करेंगे। उसमें आप दीजिए 2 अंडे, अगर अंडों का साइज बड़ा है तो 2, अदरवाइज यू कैन हैव 3। तो इसके बाद आप इसमें डालेंगे 7 चम्मच शुगर, जी हाँ, उसको अब अच्छे से आपने मिक्स करना है। और चम्मच मतलब टेबलस्पून, ठीक है, 7 टेबलस्पून शुगर, और 3 अंडों को जब आप मिक्स कर लेंगे अच्छे से उसमें ही डालिए फिर 7 टेबलस्पून ऑफ ऑयल। जी हाँ, इसमें जो चीनी होगा और जो तेल होगा उसका बिल्कुल प्रोपोर्शन सेम होगा। अब उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें वैसे ही 7 टेबलस्पून जाएगा दूध। तो आपने क्या क्या डाला अभी तक, चीनी, दूध और तेल, तीनों 7-7 टेबलस्पून। इसको अच्छे से करिए मिक्स, और अब एक सीव लीजिए, उसमें आपने डालना है 4 टेबलस्पून मैदा, ये हम आटे का नहीं बनाएंगे, मैदा। और उसमें आप डालेंगे फिर 2 चम्मच कोको पाउडर, ठीक है, 4 चम्मच मैदा, 2 चम्मच कोको पाउडर, और उसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करके इसको आप अच्छे से सीव कर लीजिए। और इसको सीव होने के बाद आप इसको अच्छे से बहुत ही कट एंड फोल्ड मेथड से आपने इसको मिक्स कर लेना है, तो आपका ये बैटर जो है बन जाएगा। और हाँ, इसमें मैंने 1/2 चम्मच वनीला एसेंस भी दिया था। अब वैसे ही मोल्ड में बटर पेपर लगाइए और ये जो है मिश्रण उसमें डाल दीजिए। जी हाँ, ये केक माइक्रोवेव में डालिए फॉर 5 मिनट्स।
इसके बाद हम लोग चॉकलेट पुडिंग बना लेते हैं। एक पैन में डालेंगे एक कप मिल्क और उसमें 1 टेबलस्पून ऑफ कॉर्नफ्लोर और 100 ग्राम डालेंगे चॉकलेट। अगर आपके पास कोको पाउडर है, आपको और डेंस चाहिए तो आप उसमें 2 टेबलस्पून कोको पाउडर भी डाल सकते हैं। बस अब इसको करेंगे अच्छे से मिक्स और इसको रख देंगे लो हीट में। तब तक देखिए केक भी बन गया 5 मिनट में, और देखिए कितना सॉफ्ट हुआ है। और तब तक देख लेते हैं पुडिंग। यस, पुडिंग इज ऑल्सो डन। अब इस पुडिंग को रखते हैं ठंडे होने के लिए, और देखिए क्या यम लग रहा है। ये पुडिंग आप इस तरह भी बच्चों को खाने के लिए दे सकते हैं। और इसमें डालेंगे फॉर ग्लेज 1 टेबलस्पून ऑफ बटर और इसको कर देंगे मिक्स। ये मिक्स करने से ना इसमें बहुत अच्छी एक ग्लेस और शाइन आ जाती है और टेस्ट भी अच्छा लगता है। सो हमारा केक हो गया है रेडी, हमारा चॉकलेट पुडिंग हो गया है रेडी। अब करेंगे कॉफ़ी सिरप, जो कि हमने केक में डालना है फॉर एक्स्ट्रा मॉइस्टनेस। इसमें डालेंगे 1/2 कप गर्म पानी, 2 चम्मच चीनी, 2 चम्मच कॉफ़ी। ये बन गया कॉफ़ी सिरप। सो नाउ केक इज रेडी, हमारा चॉकलेट पुडिंग इज रेडी, एंड उसके साथ रेडी है हमारा कॉफ़ी सिरप भी। तो अब इनको थोड़ा ठंडा होने रखते हैं और उसके बाद हम करेंगे इसको सजाएंगे। ये केक देखिए आप इस तरह भी टी टाइम स्नैक्स के साथ खा सकते हैं विदाउट एनी पुडिंग और सिरप। अब ये सब चीज़ें ठंडी हो जाए उसके बाद हम इसको करेंगे असेंबल। तो तब तक थोड़ा वेट कर लेते हैं। देखिए जिस डब्बे में मुझे इसको रखना था उस डब्बे में मैंने केक को ट्रांसफर कर लिया। अब मैं इसको बहुत सारे टूथपिक से प्रिक कर दूंगी। इस तरह से जितना हो सके प्रिक करिए, और ये जो कॉफी सिरप हमने बनाया है इसमें पूरा डाल दीजिए चम्मच चम्मच करके। और जब ये पूरा आपने डाल दिया, आप इस पुडिंग को इसमें आप फैला दीजिए देखिए इस तरह से। और ये इतना यम लगता है ना, आप जरूर ट्राई करिएगा। और बस लगाइए ढक्कन और फ्रिज में ओवरनाइट रखिए, एंड योर चॉकलेट पुडिंग केक इज रेडी। अब चलते हैं रसगुल्ले की तरफ, होममेड रसगुल्ला। यस, तो मैंने 1.5 लीटर दूध को पहले इस तरह से विनेगर से फाड़ लिया, 2 चम्मच विनेगर से मैंने कर्ल कर दिया और इसको फिर छान के ठंडा होने के लिए रख दिया। बाय द टाइम पैन में चाशनी के लिए, रसगुल्ले की चाशनी हमेशा पतली रखिएगा, तो मैंने 1 कप चीनी और उसमें 4 कप पानी डाला। तब तक मेरा जो छेना था वो भी ठंडा हो गया। उसको मैंने परात में इस तरह से देखिए हथेली से रगड़ रगड़ के इसको आपने जो है ना नरम करना है। और इसमें मैंने 1 चम्मच मैदा भी दिया था। फिर इसमें मैंने पेड़े बना लिए, देखिए इस तरह से ये सारे पेड़े बन गए। और अब ये पेड़ों को मैंने अलग से रखा, तब तक मेरी चाशनी भी जो हो गई थी उबल गई थी। अब ये एक एक पेड़े फिर से गोल गोल करके मैंने गरम खौलती चाशनी में आपने डालना है। गैस को बिल्कुल मीडियम मत करिएगा, हाई रखिएगा। इस तरह से एक एक करके चाशनी डालिएगा और डाल के आप देखेंगे विद इन 5 to 8 मिनट्स जो है ना ये डबल ऑफ द साइज हो जाएंगे। ये देखिए कैसे एकदम बड़े बड़े हो गए। बस अब इस मोमेंट में आपने बस एक ख्याल ये रखना है कि चाशनी जो है बिल्कुल गाढ़ी ना हो। अगर गाढ़ी लगे उसमें एक एक करछी जो है आप पानी डाल दीजिए, कोई बात नहीं। सो इस तरह से हमारे रसगुल्ले भी हो गए। आई होप आपको ये रेसिपीज अच्छी लगी हो। वीडियो किसी भी रीजन से अच्छा लग रहा हो दे दीजिएगा लाइक, और जो मुझे ऐसे ही व्यू कर रहे हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अब ये रेसिपीज भी मैंने आपके साथ तीनों शेयर कर दी। उम्मीद करती हूँ आप ये ज़रूर बनाएंगे और मुझे फीडबैक देंगे, और मुझे बहुत खुशी है कि आप इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस मुझे देते हो। तो अब चलती हूँ, जाने की बारी आ गई है। जाते जाते फिर वही बात, पहले अपने लाइफ में लव एंड लाइट बिखेरिए, फिर दूसरों के लाइफ में। टिल देन टाटा बाय 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 बाय, लव एंड लाइट विद माला। अरे मिलती हूँ ना जल्द फिर एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ, तब तक टाटा।